हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करता हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन करने। तो इस सुनहरे रास्ते से होते हुए मंदिर की तरफ चलते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हम मंदिर पहुँचने वाले हैं और मंदिर देखने में ही बहुत भव्य और सुंदर दिख रहा है। और यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा और शांत महसूस हो रहा है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, भगवान भोले को जल चढ़ाते हैं। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। तो मंदिर के अंदर चलिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग और हम भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और भगवान भोले का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। और जल चढ़ाने के बाद मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भीम ने महाभारत काल से में करवाया था, जो कि करीब 5,000 वर्ष पहले था। और खोज में भी यही पता चला है कि इस शिवलिंग की स्थापना 5,000 साल पहले ही हुई है। और इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो 5,000 साल पुराना ही है। तो इसके बारे में खोजकर्ताओं ने यही इन्फॉर्मेशन दी है। और मैं आपको कुछ और इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि इस मंदिर का नाम पृथ्वीनाथ मंदिर कैसे पड़ा। तो ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पे यहाँ के एक निवासी जिनका नाम था पृथ्वी सिंह, वो अपना मकान यहाँ पे बनवाना चाहते थे। लेकिन उनको रात में एक स्वप्न आता है कि इस जगह पे एक शिवलिंग दबी हुई है जो कि बहुत ही वर्ष पुरानी है। तो पृथ्वी सिंह ने जैसे उनको ये स्वप्न आया, वो अगले सुबह वहाँ की खुदाई की कराए और वहाँ पे एक शिवलिंग प्राप्त हुआ और उन्होंने वहाँ पे पूजा और अर्चना शुरू कर दी। और जब ये बात वहाँ के राजा मानसिंह को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनेगी। तो उन्होंने यहाँ पे एक भव्य मंदिर का स्थापना की और उन्होंने इस मंदिर का नाम भी वहाँ के निवासी पृथ्वी सिंह के नाम पे ही रखा और इस मंदिर का नाम पृथ्वीनाथ पड़ा। तो यही कुछ था इन्फॉर्मेशन इस मंदिर के बारे में। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।